HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मस्जिदों के आसपास लाउडस्पीकर इस्तेमाल को लेकर किए गए ट्वीट को लेकर बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर सोनू निगम इन दिनों चर्चा में हैं। फरीदाबाद के नेशन हट नाम की जगह पैदा हुए सोनू आज भी वहां अपने पुराने दोस्तों से मिलने आते रहते हैं। उनके एक दोस्त ने बताया कि बचपन में हम एक पीपल के पेड़ के नीचे एक साथ बैठकर रोटियां खाया करते थे। बता दें कि सोनू के पिता अगम निगम और बहन भी सिंगर हैं। यहां बीता था बचपन। बता दें कि भारत पाकिस्तान बंटवारा होने के बाद रेफ्यूजी के तौर पर भारत आए सोनू निगम के दादा नेशन हट्स में रहते थे, जहां जन्म 30 जुलाई 1973 को उनका जन्म हुआ था। यहां पीपल का वह पेड़ आज भी है, जहां सांझ आ चूल्हे के तौर पर एक तंदूर लगता था और पूरे मोहल्ले की रोटी वहीं पकती थी। सभी पेड़ के नीचे बैठकर खाया करते थे। बचपन में सोनू ने भी सामूहिक रूप से बैठकर रोटियां खाई हैं। नेशन हट कॉलोनी में रहने वाले जितेंद्र सिंह ने बताया कि सोनू उनके बचपन के साथी हैं। जितेंद्र के पिता और सोनू के पिता अगम निगम भी आपस में दोस्त रहे हैं। बताया जाता है कि अगम को गाने का शौक था। अपने इस शौक के कारण कई बार उन्हें घर में अपने पिता से डांट खानी पड़ती थी। दरअसल 1960 के दशक में 2 जून की रोटी के लिए लोग तरसते थे। ऐसे में अगम के गाने का शौक उनके माता पिता को अच्छा नहीं लगता था।